धन्यवाद आदरणीय कामेश्वरी जी। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय इस केंद्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। उत्सव मूर्ति समारोह मूर्ति सम्मान मूर्ति परम आदरणीय बल्कि परम श्रद्धेय कहना अधिक उचित होगा हमारे दोनों अग्रज साहित्यकार श्री निखिलेश्वर जी और प्रोफेसर एन गोपी जी इस मंच पर विराजमान है। यह हम सब का सौभाग्य है। यह एक प्रकार से हिंदी जगत के लिए संदेश भी है कि यदि हमें भारतीय साहित्य की संकल्पना को चरितार्थ करना है तो हिंदी में तेलुगु ही नहीं तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों पर चर्चा और विमर्श इसी प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। हम इन दो दिनों में इन दोनों साहित्यकारों के साहित्य पर आप सब के सान्निध्य में आप सबके सहयोग से चर्चा और विमर्श करेंगे। जैसा कि उद्घाटन भाषण में निदेशक महोदय ने कहा यह संगोष्ठी एक नए प्रस्थान का प्रतीक बनेगी ऐसी उम्मीद के साथ मैं मंचासीन अपने दोनों अग्रज साहित्यकारों का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के द्वारा एक नवीन विद्युत संचार करने के लिए जो उपस्थित हुई हैं कुलपति महोदया आदरणीय विद्युत लता जी मैं आपका भी अपनी ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। परम स्नेही अग्रज प्रोफेसर आर एस सर्राजू जी की इस मंच पर उपस्थिति मेरे लिए विशेष रूप से एक प्रकार से आशीर्वाद की तरह है। मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। गंगाधर जी तो मेरे आराध्य हैं, भगवान शिव है, तो आपको सादर 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 प्रणाम। और मेरी हम सब की इस संगोष्ठी की इस संगोष्ठी के संकल्पक की और इस संगोष्ठी के उद्घाटक की जो कामना रही है वह पूर्ण हो ऐसा आशीष देने के लिए इसका सूत्र संचालन करती हुई कामेश्वरी जी यहां विराजमान है आपको भी प्रणाम। इच्छा तो यह है कि सामने बैठे हुए अपने प्रत्येक आदरणीय और स्नेही मित्रों का नाम लूं, एक भी नाम छूट गया तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए मैं जो बाहर से आए हुए मुझे दो विशेष लोग दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लेकर यह सोचूंगा कि आदरणीय प्रोफेसर पद्म प्रिया जी और आर
आदरणीय डॉक्टर नीरजा जी, इन्हीं के नाम में पद्मप्रिया और नीरजा सारा विश्व समाया हुआ है। तो इनके साथ ही मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका हृदय में नाम लेते हुए। और मित्रों, मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर क्यों मिला है इसका भी खुलासा मैं आरंभ में ही कर दूं। इन महान साहित्यकारों पर, जो कि एक प्रकार से तेलुगु साहित्य में नए चलन का प्रवर्तन करने वाले दोनों ही साहित्यकार हैं, इन पर बोलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं तो यह इनके आशीर्वाद और गंगाधर वानोड़े जी तथा संस्थान का मेरे प्रति स्नेह भी इसका एकमात्र कारण है। मुझसे जो कोई वाचालता हो उसके लिए मैं आरंभ में ही क्षमा याचना कर लेता हूं। मित्रों, वीर भाषण से उम्मीद की जाती है कि वह बीज ही रहे, मैं प्रयास करूंगा। मुझसे वानोड़े जी ने फोन पर चर्चा की कि साहब आपका वक्तव्य कहां रखें, मुझे उम्मीद थी कि सबसे बाद में रहेगा, लेकिन मैंने शैतानी की और कहा कि साहब शुरू में बुलवा लीजिए, और वो भले आदमी उन्होंने मान लिया। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे बीच उपस्थित ये दोनों शीर्षस्थ साहित्यकार, जिन्हें मैं तेलुगु साहित्यकार नहीं मानता, जब साहित्य अकादमी द्वारा जिनके लेखन को प्रणाम किया जा चुका है, मेरे लिए ही नहीं, वो सभी के लिए भारतीय साहित्यकार है, और फिर अनुवाद के माध्यम से भारत की और विदेशी भाषाओं में भी ये रचनाकार पहुंच चुके हैं। इस दृष्टि से भी ये मेरे भारत के पिछले 60 वर्षों के, जो कहें कि एक तरह से अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण साहित्यिक गतिविधियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्यकार हैं। ये दोनों ही ऐसे साहित्यकार हैं जो उस प्रसिद्ध उक्ति का आचरण करते हैं, उक्ति को चरितार्थ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का इत्यादि 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 होता है। साहित्य समाज का जो 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 हो सकता है वो सब इनके साहित्य में है, क्योंकि ये सामाजिक साहित्यकार हैं। और जब हम भारतीय साहित्यकार कह रहे हैं तो ये सामासिक साहित्यकार भी है, जो भारत की सामासिक संस्कृति को अपने साहित्य में एक रूपाकार प्रदान करते रहे हैं, समय की विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए। इस भूमिका के साथ मैं आगे यदि बढ़ूं तो यह याद करना जरूरी है कि इन रचनाकारों का, दोनों ही रचनाकारों का रचना काल मुख्य रूप से 60 या 65 के बाद का रहा है। यद्यपि निखिलेश्वर जी 1938 में और उनके 10 वर्ष बाद इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, गोपी सर 48 में, और इस लिहाज से निखिलेश्वर जी उनसे पहले लेखन क्षेत्र में आ गए, लेकिन जो उनका मुख्य कहना चाहिए कि एक प्रकार से उरूज पर जिस समय वो रहे, या उनकी प्रतिभा का सूर्य जब बाम पर उभर करके आया, वह काल 65 के बाद का काल है। और यही वह काल है जब प्रोफेसर एन गोपी लिखना शुरू कर रहे थे, अपनी प्रतिभा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट कर रहे थे, और दोनों ही ने तब से आज तक निरंतर सक्रिय रहकर एक इतने लंबे कालखंड को
अभी आज तक कुछ चर्चा हो रही थी कि साहब 20 वर्ष में एक जनरेशन गुजर जाती है, इन लोगों ने जाने कितनी कितनी पीढ़ियां जो है, 3-4 पीढ़ियां जो है साहित्य की वो देख ली है, जी ली है। तो ऐसे साहित्यकारों का आज हम यहां केवल औपचारिक अभिनंदन नहीं करने के लिए उपस्थित हुए हैं, बल्कि हम इनके साहित्य के मर्म को समझने का प्रयास करके उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मैं 65 बार बार क्यों कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा तेलुगु साहित्य है उसमें यद्यपि जो प्रगतिवादी साहित्य था या जिसे अभ्युदय का साहित्य कहा गया, उसका काल प्रगतिवाद की तरह से ही एक साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन इतिहासकार यह मानते हैं कि अभ्युदय कविता 1955 तक भी लिखी जाती रही, और इस 55 के बाद का समय जो है वो जहां एक ओर हिंदी में नई कविता और यहां तेलुगु में वचन कविता का है, 2 दिन है साहब, तो इसके बाद के जो 55 के बाद के 10 वर्षों के काल को, यानी दिगंबर कविता जो 1965 में जिसका प्रादुर्भाव होता है, उससे पहले के काल को इतिहासकारों ने तेलुगु साहित्य में स्तब्धता या चेतनाहीनता का काल कहा है। यह जो स्तब्धता का काल है, इस स्तब्धता को, इस जड़ता को तोड़ने के लिए जिस धक्के की जरूरत थी, वह धक्का लेकर के दिगंबर कविता आती है। मैं अभी निखिलेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी दिगंबर कविता की बात कर रहा हूं, कविता के एक चलन की बात कर रहा हूं। और जिस समय यह दिगंबर कविता आती है तो इसने 2 महत्वपूर्ण काम जो है वे साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में किए। एक यह कि सुकोमल और सुंदर विषय ही नहीं, इनसे भिन्न विषय भी कविता की वस्तु बन सकते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सौंदर्य की कसौटी बदलना, तो सौंदर्य की कसौटी बदलने का काम एक काव्यांदोलन शायद कहना उचित न हो, उसका भी मैं अभी उल्लेख करूंगा, कर रहा था। दूसरी जो विशेष बात है, मैं इस संस्थान के अत्यंत माननीय प्रोफेसर विजय राघव रेड्डी को सम्मान पूर्वक यहाँ स्मरण करते हुए कहना चाहूंगा, वे भाषा विज्ञान के विद्यार्थी थे, उन्होंने यह रेखांकित किया उस आंदोलन के बारे में कि उत्तम आदर्शों और श्रेष्ठ आशयों को शिष्ट भाषा, शिष्ट शब्दों में और श्लील तरीके से ही व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं भाषा को एक थक्का देने की चीज, जिससे तेलुगु साहित्य में एक हड़कंप, एक हड़भोंग जैसा जो है वो अचानक मच गया। इस सब की चर्चा 2 दिन में होगी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि विजय राघव रेड्डी कहते हैं, इन दोनों तथ्यों का इन्होंने समकालीन तेलुगु साहित्य जगत में शुभारंभ किया। गाली गलौच ध्यान दे, गाली गलौच और अश्लील शब्दों के प्रयोगों को हम नजरअंदाज कर दें, क्या यह संभव है? नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? और शायद यही उसकी सीमा भी थी। तो समकालीन तेलुगु साहित्य में भाषाई अवरोधों, लिंग्विस्टिक इनहिबिशंस को दूर करने में दिगंबर काव्य आंदोलन का बड़ा हाथ रहा। तेलुगु साहित्य सृजन 20वीं शती की भूमिका शीर्षक अपने एक विस्तृत शोध पत्र में तेलुगु विद्वान के रंगनाथाचार्युलु ने जो लिखा है, मैं उसे समय को बचाने के लिए सीधा पढ़ देता हूं। समाज में व्याप्त स्तब्धता पर, मध्यम वर्ग की निरासक्तता पर, आत्माघात पर और मानव मूल्यों के क्षरण पर बगावत करते हुए सन 1965 में दिगंबर कवि प्रकट हुए। दिगंबर कवियों की एक पीढ़ी कही जा सकती है, पीढ़ी जनरेशन,
उसे एक आंदोलन के रूप में अभिहित करना संभव नहीं है। मैं नहीं कह रहा, तेलुगु साहित्य के कुल विद्वान कह रहे हैं, क्योंकि आंदोलनों की काल विस्तृति, परिणाम, सदस्यता की बहुलता, स्पष्ट सिद्धांत, निर्दिष्ट लक्ष्य आदि पीढ़ियों के नहीं होते। पीढ़ियों की गतिविधियां सीमित समय तक ही चलती हैं, सदस्य संख्या सीमित होती है, बगावत तत्व के सिवा निर्दिष्ट लक्ष्य में निर्माणात्मकता नहीं होती है। लंबा उद्धरण है, मैं उसे संक्षेप करता हूँ। 1952-53 में अमेरिका में आए बीट कवि, ब्रिटेन की युद्ध क्रुद्ध युवा पीढ़ी, अमेरिका के ग्रे जेनरेशन और बंगाल की भूखी पीढ़ी के कवि, और साथ ही हिंदी की अकविता, ये दिगंबर कवियों के पूर्व आई पीढ़ियों के कवि हैं। दिगंबर कवियों ने जो बड़ी बात है वह यह है, समाज को शॉक ट्रीटमेंट देकर ही नहीं, भाषा के उपयोग यानी लैंग्वेज यूज में बंधन व निषेधों के अतिक्रमण करने के मार्ग को प्रशस्त किया। मैं चाहूंगा कि आने वाले दो दिनों में यह बिंदु निखिलेश्वर की कविता के माध्यम से उभर करके आए, इसकी परीक्षा की जाए। दिगंबर कवियों की तरफ पर एक और मुझे मजेदार जानकारी मिली जो मुझे नहीं थी इस अध्ययन के दौरान, कि दिगंबर कवियों की तर्ज पर पैगंबर कवि 1969-71 में आए, एक पैगंबर कवि भी हुए थे। पांच कवियों का संकलन आया पैगंबर कवियों का। यह याद रखने लायक विषय है कि एक छोटी सी इन लोगों ने जो छह कवि हुए, मुझे पर्ची तो देने के लिए कह रहे हैं, नहीं मैं समेट लूंगा जहां आप कहेंगे, लेकिन अभी शुरू। हाँ जी, ये सब चर्चा होगी कि किन लोगों से इन लोगों ने अपनी पुस्तकों के लोकार्पण कराए, लेकिन एक जो इनका जो तीसरी ऋतु जो आई थी उसमें यह याद रखने लायक विषय है कि एक छोटी सी चोरी करने के बहाने कंची कचर गांव में गोली मारकर मार दिए गए कोटेश नामक व्यक्ति को दिगंबर कवियों का तीसरा काव्य संकलन संबंधित है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वह समय भले ही बहुत छोटा समय था, कई बार 65 से 70 कहते हैं, लेकिन 65 से 68 तक का ही समय था, क्योंकि ये तीसरा 68 में आ गया था, और इसके बाद यह दिगंबर जो पीढ़ी है यह विप्लव पीढ़ी विरसम में जो है एक तरह से प्रत्यावर्तित हो गई, या आगे ये लोग बढ़ गए। इस तमाम विषय को पृष्ठभूमि के रूप में लेते हुए मैं आरंभ में पहले कुछ शब्द निखिलेश्वर जी के संबंध में कहना चाहूंगा, और ऐसा इसलिए कर रहा हूं, और कोई कारण नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इन दोनों में से को बड़ छोट कहता अपराधु, मैं पहले गोपी जी पर बोलूं या निखिलेश्वर जी पर बोलूं, कौन मेरा अधिक प्रिय है यह भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक रास्ता है, मैंने बताया एक की जन्मतिथि 1938 है और एक की 1948 है, तो 38 वाले पहले प्रण में, जैसा कि परिचय में कहा गया उनके मूल नाम इत्यादि की चर्चा की गई। बड़ी बात यह है कि हमारे आज के एक साहित्यकार निखिलेश्वर जी कवि, अनुवादक, कहानीकार और आलोचक के रूप में, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्त भी लिखे हैं, उनकी चीन यात्राओं पर संभवतः एक पत्र भी यहां प्रस्तुत किया जाने वाला है, यह भी मुझे जानकारी है। तो एक तरह से गद्य और पद्य, या कहें कि कविता और जो इतर कवितेसर साहित्य है उसमें निखिलेश्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान तेलुगु साहित्य में है। 1956 से 64 तक, जैसा कि बताया गया, वे अपने वास्तविक नाम से लिखते थे, 65 में निखिलेश्वर के रूप में उन्होंने नया अवतार लिया, और अब वे संपूर्ण साहित्य जगत के लिए निखिलेश्वर, ये भी संयोग है ना, निखिल विश्व के जो स्वामी है, और जो निखिल विश्व का स्वामी है वही तो यह सकल भूमि गोपाल की है, और वही गोपाल गोपी बन के यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पर्याय ही तो है, और
देखिए ये आत्मा का विस्तार होता है, साहित्य जो है वह आत्मा का विस्तार है। तो ये दो साहित्यकार नहीं है बल्कि तेलुगु आत्मा का भारतीय आत्मा में विलय करने वाले दो महान प्रतिभा संपन्न रचनाकार हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। एक दिगंबर क्रांतिकारी कवि के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई और उन्हें जैसा कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी साहित्यकार पर चर्चा करने के लिए उसे पहले कोई बड़ा पुरस्कार मिले ही मिले। पुरस्कार कसौटी नहीं होते, जिंदा तो साहित्य रहता है, लेकिन होता क्या है कि हम विमुख होकर बैठे रहते हैं अपने साहित्यकारों को। जब कोई पुरस्कार मिलता है तो उनकी तरफ मुंह करके देखते हैं। तो निखिलेश्वर जी को आपको मालूम ही है, अनेक दूसरे पुरस्कारों के साथ साथ कविता संग्रह अग्निश्वास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ और वे रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन विरसम के भी संस्थापक सचिव रहे हैं। 1971 में क्रांतिकारी कविता लिखने के अलावा नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें पीड़ी अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया था। मुझे याद आता है, मैं शायद उतनी जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन यह भी एक संयोग कहा जा सकता है कि प्रोफेसर गोपी तेलंगाना के आंदोलन के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं। 69 में जब वहां उस्मानिया विश्वविद्यालय में है, पृथक तेलंगाना आंदोलन के तहत, तो दोनों ही शासन की कोप दृष्टि के भाजन रहे हैं। अभी किसी इंटरव्यू में हमारे किसी चैनल के एक मित्र ने निखिलेश्वर जी से पूछा कि निखिलेश्वर जो समाज की कुप्रथाओं के खिलाफ लिखते हैं, जो सत्ता के खिलाफ लिखते हैं, वे सत्ता या शासन से दिया गया पुरस्कार भी ग्रहण कर रहे हैं। इस पर बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया था, यूट्यूब पर वो विद्यमान है, आप देखिएगा, सिटी विजन का इंटरव्यू है। और असल चीज यही है कि साहित्यकार सत्ता से निरपेक्ष होता है। साहित्यकार, ये दोनों साहित्यकार वस्तुतः तेलंगाना की इस जमीन की आवाज उठाने वाले साहित्यकार है, लेकिन दोनों का तरीका अपना अलग अलग है। हम अभी आज यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, हम तो दोनों को अलग अलग करके फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन यह भी एक संभावना है कि इनके साहित्य का या इनके साहित्य की दृष्टि से इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इनके जीवन और साहित्य दोनों में ही बहुत सारा तुलनीय तत्व हमें मिलता है, मिल सकता है। अगर मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा है तो जब भीतर जाएंगे तो शायद और भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे एक बात तो यही दिखती है कि ये दोनों ही किसी न किसी रूप में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखने वाले रचनाकार रहे हैं। अगर निखिलेश्वर अपने ढंग से गाली देते हुए कोई बात कहते हैं, क्षमा करें इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन हमने पहले ही कहा कि दिगंबर कविता की ये एक बीनने वाली स्त्री है, उस तक के माध्यम से आप मुझे क्षमा करेंगे कहने के लिए संसद और सरकारों के ऊपर चोट कर देते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो जज्बा है, आंदोलनी जज्बा इन दोनों रचनाकारों का, शायद इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है और ये चीज उभर करके आएगी। 95 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने अपने यात्रा अनुदान से इन्हें यात्रा अनुदान मिला। 2007 और 14 में अमेरिका, 2015 में चीन की यात्रा की। 1992 से 97 तक, अच्छा ये दोनों ही लोग केंद्रीय साहित्य अकादमी में तेलुगु साहित्य के संयोजक रहे, दोनों ही अपने अलग अलग समय में 92 से 97 तक केंद्र साहित्य अकादमी के तेलुगु सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में निखिलेश्वर रहे हैं और
गोपी सर के बारे में तो यह बात सभी को मालूम है। तो मित्रों, मैं इससे पहले कि गोपी सर की ओर बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ शब्द निखिलेश्वर जी की कविता से आपके सामने पढ़ने का की अनुमति दें। मैं शब्द कह रहा हूं चूंकि वैसे मैं तो कई सारी कविताएं लिख करके लाया हूं उनकी, लेकिन कुछ शब्द ही पढ़ूंगा। तो उनकी प्रसिद्ध एक कविता है दिगंबर पीढ़ी, उसकी चर्चा करना आवश्यक है। उसकी पहली पंक्तियां ही है, मेरी यह पीढ़ी आकाश तले स्वच्छ मेघ सा दुनिया की धूल को झटकते रास्ते भर धो रही है प्रश्नों के सलीब। ये जो प्रश्नों के सलीब होना, यही जो अभी बात कही जा रही थी कि साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है। मेरी दृष्टि में साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन जो अभी श्लोक उद्घाटन उद्घाटक महोदय ने प्रस्तुत किया था, उसमें अंत में आता है शिवेतर क्षतये, यदि कहीं कुछ भी शिवेतर है अशिव है तो उस शिवेतर की उस अशिव की क्षति करना, अमंगल का नाश करना, अमंगल के नाश के लिए उद्यत होना और उद्यत करना, ये साहित्य का एक बड़ा प्रयोजन है। और निश्चय ही निखिलेश्वर का काव्य उस दृष्टि से अत्यंत प्रेरक काव्य हो सकता है। उन्होंने सुंदरता की अलग एक परिभाषा दी, गीताचार की समाधि जो उनकी कविता है वह भी चर्चित है। आप भाषा को देखें कि श्मशानों की सीमाओं को लांघ कर मध्ययुगीन कापालिकों के तंत्र भोग का बलि पशु बनकर अब जाति कुल के कपाल कुंडों के चारों ओर नाच रहा हूं। ये जो धर्म भाषा जाति दल इत्यादि का जो एक वितंडा इस देश में चल रहा है, ये सन 65 में लिखने वाला कवि लिख रहा था और ये सन 25 में लिखने वाले को भी लिखना पड़ेगा। परान्न भोगी उच्च कुल जाति अहंकार का मंत्र तक्षकाय स्वाहा उच्चारण मात्र से मुझे धकेल दिया गया वर्णाश्रम के यज्ञ कुंड में। कविता आगे भी और बड़ा आक्रामक तेवर है। अर्ध सत्य से आगे उनकी एक कविता है, उसकी आरंभिक पंक्ति पढ़ूंगा। पौरुषत्व और नपुंसकता को समांतर पर्णों में तोड़ने वाली इस हिंसक व्यवस्था में हर किसी का कैसे जी सकते हैं वाले ऐसे समझौते के बदलते रंगों में हत्या अथवा आत्महत्या की भावना से भर पशु हो जाना ही आज का अर्ध सत्य है। आज हम एनिमल देखकर खुश होते हैं। इस लोकतंत्र की मुझे नहीं लगता कि ये कविता 2024 की लिखी हुई नहीं है। इस लोकतंत्र की साझेदारी में तराजू को जो हथियाता है, सभी को नचाने वाला तानाशाह है, आज के चक्रव्यूह का निर्माता वही कौरवों के उत्तराधिकारी, जनपद के चारों ओर जो हमराही है, जैसे भी हो जी लेने में निपुण बस वही आज के पांडव है, चौकीदार बने नीति सूत्रों को जपने वाले नए युधिष्ठिर। अगर तारीख में बताई जाए तो आप इसे 23-24 की रचना मान लेंगे ना। बस यही है, यही चीज है कि कोई कवि ये कह सकता है कि मैं समय को सोने नहीं दूंगा और वो गोपी। ये चीजें परस्पर जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ। निखिलेश्वर की मैं और भी कविताएं लिख कर लाया हूं, लेकिन मुझे समय का थोड़ा सा क्या ज्यादा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं अब कुछ बातें प्रोफेसर गोपी के संबंध में अत्यंत संकोच पूर्वक कहने खड़ा हो रहा हूं और उन्हें मैं शुरू करूंगा प्रोफेसर एन गोपी की एक कविता का निखिलेश्वर ने अनुवाद किया। दिल्ली में है ना साहब साहब, अभी रास्ते में चर्चा आपसे कर रहा था कि पहाड़ पर आपकी एक कविता है, वो निखिलेश्वर जी ने उसका अनुवाद किया है जो विविधा में सम्मिलित है। मैं नहीं जानता इसका तेलुगु में क्या शीर्षक है, लेकिन मैं बात यहीं से शुरू करूंगा। अचल चलन। देखिए प्रोफेसर गोपी पर जब हम बात करें तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हम एक ऐसे साहित्यकार पर बात कर रहे हैं जो इस दुनिया के हर कण को कविता बनाने का सामर्थ्य रखता है।
इनकी काव्य भाषा पर विशेष अध्ययन करने की जरूरत है। अगर कोई कवि बनना चाहता है तो गंभीरता से यह देखे कि किस प्रकार के सादृश्य विधानों का प्रयोग, किस प्रकार की कल्पना शक्ति और जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का मिलान करने की जो चीज है, यानी एक चीज है किसी चीज को सीधे सीधे कह देना धक्का मारने के अंदाज में, लेकिन प्रोफेसर एन गोपी चेतना को सहलाकर धक्का मारते हैं। गांव से जमीन से जुड़ा हुआ एक रचनाकार जिसे अपने वृक्षों से प्यार है, अपने तंगेड़ी पुष्प से प्यार है, उनके पहले संग्रह का नाम ही है आप लोगों को मालूम, जो इस प्रांत का राज्य पुष्प भी है, और उसको वे एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक ग्राम्य नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका जो उनकी सौंदर्य दृष्टि गांव से आती है, उनकी सौंदर्य दृष्टि जो है वह देखने लायक है, क्योंकि किस तरह से वे दो चीजों को जोड़ते हैं, ऐसी मिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जो सामने है और जो सामने नहीं है उनको जोड़ करके एक नया बिंब रचते हैं, वे बिंबों के कवि हैं। यदि कविता शब्द शाब्दिक कला है, वर्बल आर्ट है, और काव्य भाषा या शैली भाषा पर झेले गए सौंदर्य का नाम है, तो इसका अत्युत्तम उदाहरण प्रोफेसर एन गोपी की कविताएं हैं। बहुत पहले की थी उनकी इस कविता का अंश देखें, आपको उनका जलगीत भी याद आ जाएगा। कैसे उनकी चेतना में यदि कहीं जलगीत है तो वो पहले से था, यदि वे बाद में वृद्धावस्था पर लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अचानक रिटायर होने के बाद उन्हें वृद्ध सूझे हों, उन्हें बचपन से वृद्ध भी दिखाई देते थे। यदि वे स्त्रियों पर लिखते हैं तो वह भी उन्हें पहले से दिखाई देता, वे विमर्श के कवि नहीं है, वे जीवन के कवि है, संपूर्ण जीवन के, किसी एक विमर्श के नहीं, समग्र जीवन के कवि है। नदी चलती है, इस कविता में नदी चलती है, पहाड़ चलने को कहता है, दूरियों की रचना करने वाला सजीव काव्य है पहाड़। ये सूक्तियां एक एक स्थान पर चिपकी हुई है, सूक्ति रचते हैं, सुभाषित रचते हैं प्रोफेसर एन गोपी, कि दूरियों की रचना करने वाला सजीव काव्य है नदी। समय को चूसता हुआ, देखे समय को चूसता हुआ, सवेरों को पहनता हुआ एक अचल स्फूर्ति है पहाड़, सैकड़ों गांवों के लिए एक मुखिया है यह चट्टान। बहुत लंबी कविता है, उसका अंतिम अंश जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है इस कविता में कहीं ना कहीं जल गीतम का बीज विद्यमान है। उन्होंने बताया है अपने एक इंटरव्यू में कि कैसे उन्हें बचपन में पानी के लिए एक जो है खुद धोकर के पानी को लाना पड़ता था, और पानी का कितना मूल्य जो है उनके उन्होंने महसूस किया है कि जल रूप में दौड़ने वाले क्षण ही नदी है। अब आप देखिए इसमें कितनी चीजें गुथी हुई हैं। जल तो है ही, जल और नदी तो है, लेकिन क्षण और काल भी है। देखिए तेलुगु कविता की एक बड़ी विशेषता है कि यहां के सभी बड़े कवियों ने काल पर केंद्रित कविताएं अवश्य की, और यह काल समय भी है और यह काल मृत्यु भी है, दोनों रूपों में। तो जल रूप में दौड़ने वाले क्षण ही नदी है। आदिम वेदना, मैं जितनी बार जलगीत का नाम दे रहा हूं उसका असर यह हुआ कि मेरे आह्वान पर जल गीतम का अनुवाद करने वाली आदरणीय प्रोफेसर पी माणिकचंदा जी भी यहां आसन्न हुए। तो एक आदिम वेदना से कभी भी नहीं टूटने वाला एक गंभीर सहनशील संस्कृति है पहाड़, एक गंभीर सहनशील संस्कृति है पहाड़। मैं पहाड़ को कान लगा, देखिए ये है जो जुड़ा हुआ होगा वही ये कह सकता है, मैं पहाड़ को कान लगाकर एक आत्यंतिक संगीत को सुनता हूं। पहाड़ का संगीत क्या है? ये नदी, ये झरने, ये वनराज जो है तमाम, ये पहाड़ का संगीत है। मैं पहाड़ को कान लगाकर एक अत्यंत संगीत को सुनता हूं,
सभी को साथ ले जाने वाली नदी एक आह्लादमयी यात्रा है। नदी एकाकीपन को चीरने वाला, सभी को पास बुलाने वाला वात्सल्यमय है पहाड़। और देखिए क्या कहता है कवि, पहाड़ मेरी संपदा है। पहाड़ गोपी कह रहे हैं, पहाड़ मेरी संपदा है, पहाड़ मेरी वेदना है। और दोस्तों पहाड़ मेरा पता है, पहाड़ मेरा पता है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस पर, बल्कि यह कहना चाहूंगा अपने आप को थोड़ा जिसे कहें कि संक्षिप्त करते हुए, कई सारी चीजों को छोड़ते हुए, उनके कई अनुवादों पर मुझे लिखने का अवसर मिला है। पिछले दिनों एक संग्रह आया था वसीयतनामा नाम से, डॉक्टर एम रंगैया ने अनुवाद किया है। उसकी भूमिका से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि बोलने में लंबा हो जाएगा। वैसे वे वक्तव्य और विचारधारा की प्रधानता के इस युग में, इस अर्थ में एक अपवाद की तरह है कि वे काव्यार्थ को संप्रेषित करने के लिए दैनिक जीवन से जुड़े चित्रों, रूपकों, उपमाओं, प्रतीकों और बिंबों की सहायता से अपनी काव्य भाषा को गढ़ते हैं। सूक्ष्म लक्षणाओं और व्यंजनाओं से लबालब उनकी कविताएं देखने में बड़ी मासूम लगती हैं, लेकिन तनिक निकट आते ही पाठक को अनुभूतियों की गहन गह्वर में खींच लेते हैं। मैं समझता हूं शायद 200 से अधिक सम्मेलन हो चुके हैं, शायद 500 और पहले कभी मैंने पढ़ा था 200। इनकी अपनी जब 75 किताबें प्रकाशित हैं, 75 शायद मेरी 2-4-10 अभी प्रकाशन में भी होंगी, 25 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो इनके नानीलु ने एक, मैंने आरंभ में कहा कि दोनों कवि जो है प्रवर्तनकारी कवि है हमारे यहां। तो प्रोफेसर गोपी ने नानीलु का प्रवर्तन किया एक संक्षिप्त छोटी कविता के रूप में, नन्हे उत्तर जिसे अनुवादकों ने नाम दिया, जिसमें मैं और तुम और हम का बनने का जो स्वरूप है वह ना और नी है, परस्पर गुथे हुए होते हैं और केवल 4 छोटे छोटे चरणों में 20 से 25 वर्णों की सीमा के भीतर ही किसी गहरी संवेदना को चित्रबद्ध किया जाता है। बड़ी बात यह है, 2 पंक्तियां तो कोई भी लिखते, 4 पंक्तियां तो कोई भी लिखते, लेकिन उन 4 पंक्तियों में, उन 2 पंक्तियों में कोई एक बड़े जीवनानुभव को किसी बड़े काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, ये गोपी बनाता है किसी लेखक। उनकी विशेषता, उनकी मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेरे तई उनकी विशेषता है, उनका जो विशेष अप्रस्तुत विधान है, उनका जो विशेष सादृश्य विधान है, वे किस तरह से यथार्थ और कल्पना को जोड़ते हैं। सड़क हो या बस स्टॉप या गुदड़ी या बगीचा, ये सब उनकी कविताओं के शीर्षक है। प्रोफेसर एन गोपी की सृजनात्मक कल्पना का संस्पर्श पाते ही सब नए नए अर्थों से अभिमंत्रित बिंबों में बदल जाते हैं। आंसू, काल, समय भी और मृत्यु भी, वर्षा और सूरज तो उनकी कविताओं के बीज शब्द है ही। किसान, मजदूर, गांव, शहर, भीड़ और प्रकृति के विभिन्न उपादान भी उनकी कविता के सर्व परिचित प्रस्थान बिंदु है, जहां से वे अपने पाठकों को जीवन यथार्थ और उसके पार तक की अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाते हैं। एक चीज और जो मुझे छूती है इनकी कविता में, वह है एक खास तरह की उदासी। मैं नहीं जानता, मैं उनके जीवन से परिचित नहीं हूं, लेकिन एक खास तरह की उदासी मुझे जब मैंने 1996 में हैदराबाद आने पर पहले पहल उनकी कविताओं के 97 में शायद केएल व्यास जी द्वारा किए गए अनुवाद पढ़े, तभी से मैं महसूस करता हूं कि उनकी कविता में एक खास तरह की उदासी का रंग भी व्याप्त है। सारे उल्लास के बावजूद एक उल्लास, एक उदासी है, और इसीलिए समय समय पर उनकी कविता में मृत्यु भी आती है, लेकिन यह मृत्यु, यह उदासी उन पर हावी नहीं हो पाती।
उन्हें अवसाद में नहीं धकेल पाती। और इसीलिए वह कभी कहता है कि ये गांव मेरा महाकाव्य है, या मैं वह हूं जो समय को इसी काव्य पर आप जानते हैं उन्हें बहुत पहले आज के हिसाब से कह दो 2002 में शायद 2001 या 2 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था मित्रों 2000 में जी। प्रोफेसर एन गोपी उस समय क्या कर रहे थे जब 65-67 इत्यादि में निखिलेश्वर जी दिगंबर कविता लिख रहे थे, मेरे मन में ये सवाल था। और उनका जो काव्य है मेरा गांव मेरा महाकाव्य, गांव मेरा महाकाव्य, उसकी पहली कविता डॉक्टर साहब मैं बस अभी समेट लूंगा 5 मिनट के अंदर, नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ जी हाँ यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों रचनाकार जो है वे एक भूमि पर किस तरह से खड़े हुए हैं लेकिन एकदम अलग ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। और जो छुरी के बहे आंसू जैसी रचना जब डॉक्टर एन गोपी लिखते हैं तो उनके निजी व्यक्तित्व की जानकारी हमें प्राप्त होती है, एकदम भिन्न व्यक्तित्व प्रोफेसर गोपी का एक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि खड़ग का रोना सुनेगा कौन, करुणा की पुकार से है प्यार किसको, अहिंसा हंस की चाल चलकर आएगी कब, संतोष लाल फूल सा खिलेगा कब। और वो कहते हैं छुरी और मिट्टी में कलह होना होगा, छुरी को नया सिद्धांत प्रज्वलित करने वाली पार्टी में बदलना होगा। ये है कि छुरी को बाती में नया सिद्धांत प्रवर्तित करने वाली बाती में वे बदलना चाहते हैं। 1967 में यह कवि ये बात कह रहा था। मैं अपनी बात को समेटूंगा इस उदाहरण के साथ कि अपनी कविता के बारे में प्रोफेसर एन गोपी क्या कहते हैं, क्योंकि हर रचनाकार मेटा पोएट्री जिसे हम कहते हैं कविता के बारे में अपनी बात अवश्य करता है। हाथ मिलाते ही गोखरू का खुरदरापन महसूस होता है, उदासी के कगार पर उड़ने वाली कविताओं के कबूतर दुख के पलों के दाने चुन चुन कर खाते हैं, जीने की कोई भी सीढ़ी आराम नहीं देती, खून के रिश्तों की तारीफ करने से क्या फायदा, ग्रुप नहीं मिलते तो मन का फूल मुरझा जाता है, चाहे जितनी नक्काशी कर लो फिर भी लकड़ी से जंगल का गुण नहीं जाता, मेरी कविताएं ही मुझे मानव बनाती है। ये जो मैंने कहा कि सूक्ति, मेरी कविताएं ही मुझे मानव बनाती है, रेल के सफर में गांव से मेरे साथ चली आई पुरवाई शहर की बाहरी सीमाओं पर रुक जाती है, तब मेरी कविताएं प्राण वायु से वंचित होकर छटपटाने लगती हैं, चाहे जितने भी मंत्र तंत्र करूं मेरी कविताएं घमंड नहीं करती, चाहे कितने भी मंत्र तंत्र करूं मेरी कविताएं घमंड नहीं करती, जरा सा शर्माती है पर डर उनके स्वभाव में है ही नहीं, सपने महुए के फूलों के भले ही हो लेकिन कैसेटों में तो गुलाब ही खिलते हैं। और अंतिम अंश है 1995 की कविता है, कंप्यूटर के अक्षरों में उभर कर आने वाली खून की रेखाओं को छूकर स्पर्श का गान करती है मेरी कविताएं, कंप्यूटर के अक्षरों में उभर कर आने वाली खून की रेखाओं को छूकर स्पर्श का गान करती है मेरी कविताएं, टूट कर बिखरे अंकों को सहेज कर जोड़ती हैं, फटे महीन कागज को होठों से सीकर सांसों के गीत की लय बन जाती हैं, भूतल के खनिजों को और गगनमंडल के ग्रहों को लगाम लगाकर फिर से मानव को ही खोज निकालती हैं।
मेरी कविताएं। मित्रों, मैं अपने वक्तव्य को इस महान कवि के वसीयत नामे के साथ पूरा करूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अग्रिम प्रणाम आपको देता हूं, ध्यान से सुने इस कविता को और महसूस करें इस कवि की उदात्त चेतना। कोई भी कल हो शायद मैं न रहूं, कोई भी कल शायद मैं न रहूं, यदि कल सूरज उदित हो तो कहिए कि निमीलित मेरे नेत्रों में आग एक अश्रु बिंदु बचा रह गया है। निमीलित मेरे नेत्रों में आग एक अश्रु बिंदु बचा रह गया है। चांद यदि दिखाई दे तो अवश्य कहिए कि वह किरणों का जाल बिछा रहा है, लेकिन भीतर एक छोटी मछली अभी तक छटपटा रही है। भीतर एक छोटी मछली अभी तक छटपटा रही है। आग किसी भी रूप में दिखाई दे, आग किसी भी रूप में दिखाई दे तो बयान कर कहिए कि मेरे दिल की लपटों की चिता का कदापि प्रतिबिंब नहीं। विश्रांत विश्वांतराल में, विश्व अंतराल में निरंतर भ्रमण करते ग्रहों से शायद मैं बतिया सकूं, मेरी व्यथित यात्रा के आगे उनके भ्रमण का महत्व कहां। मेरी व्यथित यात्रा के आगे उनके भ्रमण का महत्व कहां। कल की पीढ़ियों से विस्तार से कहिए कि मेरा अदृश्य होना मरण। कल की पीढ़ियों से विस्तार से कहिए कि मेरा अदृश्य होना मरण नहीं, इस मिट्टी में अक्षरों को बिखेर कर गया हूं मैं, इस मिट्टी में अक्षरों को बिखेर कर गया हूं मैं। ये अक्षरों को बिखेरना यही बीज है। इसी के साथ यह बीज भाषण मैं संपन्न करता हूं और जो कुछ मुझसे वाचालता हुई मेरी अज्ञानता और वाचालता के लिए आप सब मुझे क्षमा करें। आप सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।